हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिटी कनेक्ट। मैं हूं सौम्या। आई होप ऑल यू गाइस डूइंग वेल। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस। तो आज हम अपने वीडियो में कुछ अलग, कुछ अनोखा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम इसी वीडियो में आपको पुराना लखनऊ घुमाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 4 या 5 मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ के पुराने लखनऊ के, आज हम आपको वो उनके बारे में कुछ बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे उनके बारे में थोड़ी बहुत जो भी हमसे हो पाएगी। एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम आ गए हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है पिक्चर गैलरी। एंड इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो कि बनवाई गई थी 19वीं शताब्दी में। एंड इसके बारे में मैं आपको ये बता देती हूँ, इसके अंदर जो है आपको लखनऊ के जो नवाब थे लगभग उनकी सारी की सारी तस्वीरें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। एंड हाँ, जो फोटोज़ हैं वो आपको जो रहते हैं पुराना वक्त जो था वो याद दिलाता है उन नवाबों का, जो भी जब उनके नाम का यहाँ पे डंका बजा करता था। तो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। आप इसके आसपास का व्यू देख पा रहे होंगे, कितना ज़्यादा शांत और कितना ही ज़्यादा अच्छा है। पुराने लखनऊ में मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अभी जब हम पिक्चर गैलरी से क्लॉक टावर की तरफ जा रहे थे तो हमें बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लेस दिख गया, जिसे बोलते हैं यहाँ पे हुसैनाबाद तालाब, जो कि आसपास आप इसके देख पा रहे हैं। बहुत ही फोटोजेनिक प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। तो इसके बीच में भी आप देख पा रहे होंगे बहुत ही एक अच्छा सा फाउंटेन लगा हुआ है, जो कि जब आप इवनिंग में आएंगे ना तो आपको एक बहुत ही अच्छा लुक मिलने वाला है। अभी हम आ गए अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन पे, जो कि है क्लॉक टावर। आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। एंड इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इसे बनवाया गया था नवाब नासिरुद्दीन के द्वारा जॉर्ज कूपर के लिए, और इसकी जो डिज़ाइन थी वो रास्केल के द्वारा बनाई गई थी। इसकी जो डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, एंड इसकी जो हाइट है 67 मीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 221 फुट ऊंचा है। ये देश की सबसे ऊंची इमारतों में से एक होता है। ऐसे तो हमारा लखनऊ तहजीब के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन जो घंटा घर कुछ खास है। और इसके बगल में आपको दो चीज़ें और मिल जाती हैं, जिसे बोलते हैं सरकंडा तालाब। उसके आसपास का व्यू बहुत प्यारा होता है। अगर आप इवनिंग में आएंगे यहाँ पे तो आपको बहुत ही खूबसूरत एक व्यू मिलने वाला है। उसी के जस्ट बगल में है एक पिक्चर गैलरी। अभी हम आ गए हैं अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे, जो कि है रूमी दरवाज़ा, जिसे रूमी गेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये 17वीं शताब्दी में बनाया गया था बाई नवाब आसिफ उद्दौला के द्वारा, और इसको जो कहते हैं ना टर्किश गेट भी कहते हैं इसे। और बेसिकली ये फोटोजेनिक बहुत ही इनक्रेडिबल मॉन्यूमेंट है ये, और बहुत ही सुंदर लगता है। लाइक अगर आप यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, बेसिकली यहाँ पे लोग ऐसा कोई शायद ही लखनवी होगा जो यहाँ आता और पिक्चर्स क्लिक करा के ना ले जाता हो, इतना सुंदर लगता है। एंड बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, बहुत ही सुंदर एक गेट है। तो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अभी हम आ गए हैं अपनी फोर्थ डेस्टिनेशन पे, जो कि है बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। ये लखनऊ की शान का प्रतीक है बड़ा इमाम बाड़ा, और बहुत ही खूबसूरती से इसे बनवाया गया है। इसे जब बनवाया गया था तो इसे 10 से 11 साल का टाइम लगा था इसे बनवाने में, यानी 17वीं शताब्दी में बनाया गया था लखनऊ के नवाब आसिफ उद्दौला के द्वारा। इसके बारे में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसे विजिट करने के लिए। एंड इसकी जो मैं मीटर में आप बता देती हूँ, ये 50 मीटर में बना हुआ है। एंड 15 मीटर, जो 15 फिट है इसकी ऊंचाई है, इतने भर में बिल्कुल फैला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत एक बिल्डिंग कह सकते हैं। अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था उन लोगों के लिए, कि उनको ना कहते हैं कि जब वो बनाते तो बेरोजगारी के कारण इसे बनवाया गया था, जिससे उन्हें रोज़गार दिया जा सके। अभी हम आ गए हैं अपने फिफ्थ डेस्टिनेशन पे, जो कि हमारे लिए आज लास्ट होने वाली है। एंड इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी एक प्लेस है जिसका नाम है कुड़िया घाट। एंड इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, पहले जो ऋषि कौंडल्य थे ये उनका आश्रम हुआ करता था, फिर इसका नाम बदल कर 19वीं शताब्दी में इसका नाम रख दिया गया है कुड़िया घाट। एंड ये इतनी ज़्यादा मतलब पीसफुल प्लेस है ना, अगर आपको कहीं सुकून ना मिल रहा हो आप यहाँ आ जाइए, आपको वो सुकून यहाँ पर मिलने वाला है। एंड यहाँ पर बोटिंग भी अवेलेबल है। एंड इसकी मैं आपको लोकेशन भी बता देती हूँ, ये क्लॉक टावर के जस्ट पीछे है, एंड आयरन ब्रिज के जस्ट बगल में है। गोमती नदी से जस्ट अटैच्ड है ये। एंड ये बहुत ही खूबसूरत सी एक प्लेस है। अगर आप जैसे होता है ना
प्री वेडिंग शूट जो होते हैं या फिर डेस्टिनेशन जो होती है, मतलब ये बहुत ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स भी करवाए जाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ये। तो ये थी हमारी टॉप 5 डेस्टिनेशन ऑफ पुराना लखनऊ, जहाँ पे आप घूमने आ सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, और कभी कभी खुद के साथ भी आप थोड़ा वक्त यहाँ पे बिता सकते हैं अकेले में, क्योंकि बहुत ही सुकून वाली एक जगह है। एंड इसी के साथ करते हैं हमें वीडियो को एंड। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिएगा। और एक बात मैं आपसे बता देती हूँ, ये 5 में से जितनी डेस्टिनेशन है आपकी फेवरेट कौन सी थी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। और अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।